एक ही गाड़ी पिकअप था या और भी था? या एक ही फ्री गुनी हो रही है, चोर लेगा पहले नहीं सर, सब उठा दिया, चेचिस कार्ड मिले पूरे बीच में से। अच्छा, तो फिर अंत है बोला कि भाई हमारी गाड़ी है और कुछ भी। अभी तक ये दुकान नहीं खुली, चोर तो अगला है, तो चोरों से गाड़ी खरीदा है। एक बात तो सर, गाड़ी चोरी होती है, अगला दिमाग तो सही है ना कि अब वो 26 नंबर कार्ड मिले हैं, तो अब ये बताओ वो गाड़ी कहीं जाएगी, तो पुलिस वाले भी रोकेंगे उसको, तो मैं तो चोर खुद साबित हो गया इनके आगे। यहाँ मौके पर आया, इसके कबाड़ का मालिक का अभी तो कोई हरुण और इमरान बता रहे हैं, दोनों यहाँ मौजूद नहीं है। राम राम जी, नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू, और सुबह सुबह का टाइम है, पूछ का आपा कबाड़ी मार्केट के अंदर, और भी कोई जो पीछे को कारण है वो ये है क्योंकि कबाड़ी मार्केट के अंदर ऑब्वियसली बात है कि गाड़ियां जो को वो पुरानी गाड़ी जगह भंगार हो जाए, मान बेचन खरीदों को काम चला, लेकिन एक अजीबो गरीब जो मामलो सामना है गुड़ा गोर्जी से, एक पिकअप जगह भाई एक चोरी हुआ है गुड़ा गोर्जी से, और भी बाद में एज मार्केट का मालिक ही एफ आई आर भी करवाई है, पुलिस भी जगह है जांच के अंदर जुटा है, और ये भी आपके बेस के ऊपर जो कोशिश करी ढूंढने की, और सुबह सुबह खबर लगा है कि बात की जगह गाड़ी है कबाड़ी मार्केट के अंदर बिल्कुल खोल दी गई है, तो इसके अंदर काफी सारा जगह झोल आप समझ में आ रहे हैं कि बिना मालिक की मर्जी के, बिना मालिक की आरसी के, बिना मालिक के आधार कार्ड के कोई भी जगह गाड़ी है भी को कैब इन खोली जा सके, कैब का पुर्जा जगह अलग अलग जा सके, पुलिस और मौजूद है और गाड़ी का जगह मालिक भी मौजूद है, बस जानने की कोशिश कर रहा है कि पूरा मामलो हो और अभी जगह भी क्या हालात है। मैं बताऊँ की सबसे पहले बताऊँ थोड़ा नाम की है? नाम सचिन कुमार है सर। सचिन जी के काम करो थे? बस पिकअप ही चलाओ सर। एक ही गाड़ी पिकअप था या ना और भी था? एक ही फ्री गुनी हो रही है, चोर लेगा पहले है भी एक ही। कद की बात है, कद चोरी हुई, कद से चोरी हुई 24 तारीख में सुबह 3 बजे। 24 तारीख है, यानी बाबा आता लगभग आज 10 दिन से ऊपर होगा। जी सर। तो एफ आई आर कद करवाई 24 तारीख में? 24 तारीख करवा दी। तो भी बाद में मतलब थे पुलिस प्रशासन भी ढूंढ रही है कि कोई इनपुट वगैरह मिला है, फिर जाके 700 तक कैप पहुंचा थे? इनपुट यहाँ मिला सर, हमारे पड़ोस में पड़े सिंगनौर गाँव, जहाँ दमोरा मोड़ से गाड़ी क्रॉस होगी, सिंगनौर गाड़ी पूछी गई नहीं, साइड का मान जहाँ रास्ता 2 फुट एक कारी को एक परसामपुरा साइड को, अभी बड़े गाड़ी की ट्राई करी काफी, इन्हें धीरे धीरे लाग रहा रात दिन कोशिश कर रहा बकरी। अच्छा, इससे पहले भी कबाड़ी मार्केट में आके चेक करे, फिर आज ही या फिर कल रात नहीं चेक करे? कल रात नहीं चेक करे सर। ढूंढी पड़ी है, सीधा कैब पहुंचा गाड़ी गाड़ी ढूंढी के बिना अपने दिखो जब रात दिन आप गाड़ी चलाओ छानी थोड़ी सा। गाड़ी की पहचान के आधार पर जैसे चेचिस है अपने ये जो केबिन है इस आधार कुछ नाम वगैरह लिखा रहा है अंदाजो क्या है? नाम सर आगे था वो नाम हटा दियो, जैसे ये जंग लगा है ऊपर शीशे के ये है, जैसे अपने जो कुछ तो निशानी होती है ना अपनी पर्सनल चीजों की आगे ये गाटर के जो मतलब निशानी मिटाने की कोशिश तो पूरी करी गई है सर, फुल 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 कोशिश। एक बोलेरो को स्टिकर लग रही है गाड़ी का, आप बता लगे आगे नंबर भी हुई, नंबर प्लेट भी हुआ है, चेचिस नंबर भी हुई, तो बे भी कौन मिला था? नहीं सर, सब उठा दिया, चेचिस कार्ड मिले पूरे बीच में से। अच्छा, तो फिर अंत है बोलिया कि भाई हमारी गाड़ी है और कुछ भी के बात हुई, उरे पूछा ने बात की हुई बात ही है सर, वो मना कर दिया उन्होंने, तो यहाँ पे पहुंचे ना सुबह हम सब साथ में, तो यहाँ पहुंचे तो ये बोले गाड़ी हमारी है। अच्छा। तो बोले यहाँ क्या वीडियो बना रहे हो, क्या है फताल ऐसे वैसे, बोले बकवास वाली बहुत की, ये तो प्रशासन का थोड़ा साथ था इस वजह से ये हो गया। तो प्रशासन ने फिर रात में बुला लिया, फिर सुबह बुलाया था प्रशासन सुबह सर। अच्छा, सुबह आने के बाद प्रशासन आने के बाद में क्या हालात है? प्रशासन आने के बाद में बोल रहे हैं कि गाड़ी सही कर दें, गाड़ी सीसी से क्या होगा, ये गाड़ी को पूरा तोड़ रखा है, बताओ क्या करें, चेचिस काट रखा सर, कल को ये बताओ कि ये गाड़ी कहीं भी जाएगी यहाँ से झुंझुनू से अलग जाएगी, तो कहीं भी प्रशासन ये बोलेगा कि ये गाड़ी चोरी की है तो वो कबूल करना पड़ेगा, चोर तो मैं साबित हो गया, चोर अगला थोड़ी हुआ, बिना 25 नंबर की गाड़ी अगर घुमाओगा तो चोर साबित होना, चोर साबित तो सर मैं खुद हो गया। ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर ये वापस सीट लगा देंगे, सीट लगा के वापस बेल्डिंग कर देंगे, तो जैसे पुलिस वाला देखेगा, देखते ऐसे बोलेगा कि तो आरसी में देखेगा, चेचिस नंबर देखेगा तो गाड़ी चोरी की साबित होगी, ऐसे थोड़ी ना होता कि ऊपर बेल्डिंग थोड़ी होती है, पहले कार दिया फिर बेल्डिंग होगी, शंका का आधार पर तो खड़े भी जाओगे तो पाँच तो भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक बार तो जो तारो टाइम खराब होगा, पुलिस देखा काट रहा है सर। एक बात बताओ, सुबह से हम आके यहाँ बैठे हैं, अभी तक ये मार्केट नहीं खुला, ये रोज सुबह मॉर्निंग को खुल जाता है, अगला चोर बोल रहा है 1 घंटे में आ रहा है, आधा घंटे में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है, अभी तक ये दुकान नहीं खुली, चोर तो अगला है, तो चोरों से गाड़ी खरीदा है। एक बात तो सर, गाड़ी चोरी होती है, अगला दिमाग तो सही है ना कि 2020 मॉडल गाड़ी है, चोरी हो रही है, ओनर के साइन भी लेगा, आरसी भी लेगा, बोल रहे हम तो लेते हैं, कहाँ से आती है सर वो आरसी? मेरे पास है सर मेरी ओरिजिनल, तो ये बिना आरसी का क्या काट दिया? अब तो ये इन कबाड़ी वालों गलती है, इनसे पूछो सर। रात ने भी ध्यान पूछोगे, गाड़ी नहीं मिलती सर,
या तो फिर वो कपड़ा है मैंने कुछ बोल देता तो ये लोग रात की रात ही गाड़ी पार कर देता है। रात में बिल्कुल मेरी बात हुई रात ना आया और फोन करिए कि कोई मनीष सोचा है ऐसे अगले फोन करना बोले मिल जाओ बोले कौन सी गाड़ी है वो 2016 मॉडल है सेंटर पट्टा का महीना है जो जो बात बोली मैंने बता दी बोले एक ताजा ही गाड़ी आई है बोले ताजा ही सोपड़ी है बोले एक मार्गन दे दे बोले कोई दिक्कत नहीं कम्प्लीट ही सका 35,000 गाड़ी देखने के बाद में काम हो गया। नहीं नहीं पहले बाहर ने फोन करिया कि रात ने कबाड़ी को गेट कौन खोले हैं फिर उसने फोन किया उसको गार्ड को गार्ड ने वो गेट खोला गार्ड से गेट खुलवाया वो लेके आया हमारे वो उस रस्ते से लेके आया हमने देखा तो यहाँ गाड़ी खड़ी थी। अच्छा देखिए गाड़ी मारी है रात ने मैं कुछ भी बोले रात ने एकदम साइलेंट तरीका हूँ घर से ले आया बोला की बेटे वीडियो वगैरह क्यों बना रहे सुबह की बात है सुबह मॉर्निंग में आए तो आधे लोग सुबह 5 बजे से यहाँ बैठे हैं कि कबाड़ी का गेट कब खुलेगा ताकि गाड़ी कोई पार ना कर दे आधे लोग पहले से बैठे हैं आधे लोग हमारे साथ पुलिस आई है प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहा प्रशासन को जैसे बोला प्रशासन तैयार मिला में अभी पूरा जो दुकान का मालिक है अभी तक पूछो अरुण नाम बता रहे हैं उसका अभी प्रशासन से बात करी होगी ऐसा भी मौजूद था तो उनको होगी भाई बिना आरसी के बिना आधार कार्ड का तो काट सके कानूनी कार्रवाई थे चाहो प्रशासन हमें प्रशासन ने एक बात बोला कि पहले गाड़ी को तैयार करवाओ अगला बोल रहा है कि जो वो तो आया नहीं जो इस दुकान का मालिक है यहाँ का जो अध्यक्ष है ना कबाड़ी का वो ऐसे बोल रहा है कि पहले गाड़ी को तैयार करवा देंगे तो वो गाड़ी को तैयार करवा रहा है। हमारी मांग ये है कि जो किसी गाड़ी देके गए ना चोर के लिए बिन पकड़े जा रहा है बिना बगैर गाड़ी का कागज का अगर गाड़ी काट रहे हैं तो कुछ भी उसका हजारों गाड़ी खड़ी कोई का भी चेचिस नंबर को सारी गाड़ी कटे नहीं को मतलब ये जो मेरी बात सुनो 20 मॉडल को सामान मांग रहे हैं 100 मांग रहे हैं कुछ मांग रहे हैं तुरंत दे रहे हैं तो 20 मॉडल को सामान आयो करूं फिर ना गाड़ी मान लो कि 5-4 लाख रुपया हम तो खरीदी को नहीं है तो 150,000 में खरीदे तो अन्य भी शक तो होना चाहिए कि गाड़ी चोरी के तो 20 मॉडल गाड़ी 1,00,000 रुपया का महीन कट रही है तो अन्य बेरो तो होना चाहिए ना अन्य शक नहीं हो गए कौन की कन पोटा चाहिए इतना 18-20 मॉडल गाड़ी 8.5 लाख रुपये गाड़ी 1,00,000 रुपया का महीन देखे जा अब वो 26 नंबर कार्ड मिले हैं तो अब ये बताओ वो गाड़ी कहीं जाएगी तो पुलिस वाले भी रोकेंगे उसको तो मैं तो चोर खुश साबित हो गया इनके आगे तो अभी प्रशासन से केचाओ हो प्रशासन की ओर मौजूद है के प्रशासन हेल्प कर रहे हैं सर प्रशासन चाओ बस वो 33 नंबर कटे निकाल ले या ना के थे चोरी के साथ नहीं को समाधान को हमारे समाधान से वो सर गाड़ी जैसी मेरे घर से उठी थी वैसी गाड़ी चाहिए सर मेरे को और चोर है जो दोषी है उसको गिरफ्तार करो सर जल्दी से जल्दी। मैं महावीर प्रसाद एसआई पुलिस थाना गुड़ागोड़ जी दिनांक 24/12/2023 को गुलशन कुमार पुत्र राम निवास जाति जाट निवासी दमोरा हालाबाद किसान गोलन टोडी ने अपनी पिकअप RJ18GB9375 की चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जिस पर थाना गुड़ा पर मुकदमा नंबर 411/2023 धारा 379 में दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही थी। आज जरिए मुखबिर इतला मिली कि कबाड़ी में ये पिकअप गाड़ी झुंझुनू रोड पर कबाड़ खाने में गाड़ी खड़ी है और इसके जो भी पार्ट्स हैं वो खोल रखे हैं और कुछ यहाँ मौके पर आए हैं इसके कबाड़ का मालिक का अभी तो कोई हरुण और इमरान बता रहे हैं दोनों यहाँ मौजूद नहीं है और गाड़ी मैन मुलजिम कौन है किसने वहाँ से चोरी की है इसके बारे में अभी अनुसंधान जारी है। गाड़ी तो बरामद कर ली हाँ गाड़ी ये कबाड़ी से यहाँ झुंझुनू से वार्ड नंबर कबाड़ से बरामद कर ली है। गाड़ी सर एक ही चोरी हुई फिर एक से ज्यादा हुई एक ही गाड़ी चोरी हुई थी तो वीडियो देखने मतलब लगा जिस हिसाब से ये जो जगह की चोरी हुई है गाड़ी बनको देखो खड़ा है प्रशासन जो बिल्कुल बड़को सहयोग कर रहे हैं बड़की जगह गाड़ी मिल भी चुकी है लेकिन बड़की मांग देखिए भाई आया कि चोर की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हुआ और साथ में बात करें कि कबाड़ी मार्केट के अंदर बिना RC के बिना मालिक की मर्जी के बिना भी आधार कार्ड का अगर हिसाब से गाड़ी ली जाए और काटी जा है तो मुझे लगा कि यह भी कड़े कानून का दायरा है खिलाफ या जाए तो प्रशासन थोड़ा सा एक ऊपर भी गौर करने की जरूरत है ताकि दोबारा ये किसी की चीज है वह चोरी किसी की चीज है कबाड़ी मार्केट तो नहीं आवे कोई नुकसान होने से बचा थाने के लगा कि एक मामला के अंदर की कार्रवाई की है पुलिस प्रशासन करनी चाहिए थे माने कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा बिलांग अगली कोई अपडेट में तब तक के लिए राम राम।